पहले मैं यूज नहीं करती थी टोनर, एंड जैसे जैसे मैंने यूज करना शुरू किया टोनर सिरम, यस मेरी स्किन डिफरेंस देख लो दोनों साइड्स पर। हेलो एवरीवन, आई एम काजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल काजल सागा। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो यस, मुझे देखकर आपको पता चल ही गया होगा और थंबनेल भी आपने देखा होगा कि आज एक गेट रेडी विद मी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक विंटर मेकअप लुक, जिसमें कि आज हम काफ़ी सारे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज करेंगे बिकॉज विंटर में हमारी स्किन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा ड्राई। सो हमें स्किन केयर एज वेल एज अपने मेकअप में हमें कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए जो कि हमें इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करें एंड यस लंबे टाइम तक तो यस चलें ही। सो यस, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो मेकअप से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेते हैं बिकॉज ऐसे बिल्कुल मैं बेयर फेस बैठी हूँ और बिल्कुल ऐसी ड्राई स्किन पे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, सब कुछ पैची हो जाएगा और थोड़ा सा यस अनकंफर्टेबल सा रहेगा। सो सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करेंगे एंड मैं सबसे पहले आज यूज कर रही हूँ लॉरियल रिवाइटलिफ्ट का क्रिस्टल माइक्रो एसेंस सूदिंग प्लस रेडियंस। सो दिस इज द माइक्रो एसेंस फ्रॉम लॉरियल एंड इसका मेरे पास ये मिनी वाला मैंने खरीदा था। सो दैट मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे ट्राई करना था बट ये मुझे मेरी स्किन पर बहुत अच्छे से सूट करा था, बस हमें थोड़ा सा लेना होता है। ये टोनर नहीं है, ये माइक्रो एसेंस है एंड आपकी स्किन को एक इंस्टेंट ग्लो के साथ साथ आपकी स्किन को यस हाइड्रेट भी बहुत अच्छे से करता है। सो यस, इसको हम इस तरीके से डैबिंग मोशन में अपने फेस के ऊपर यस अप्लाई करेंगे एंड कुछ भी हमें एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, ये अपने आप ड्राई आउट हो जाएगा ना, फेस इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो यस, सबसे पहले तो मैं यही यूज करूंगी। और वैसे भी आपको टोनर तो यस एवरीडे में यूज करना ही चाहिए बिकॉज पहले मैं यूज नहीं करती थी टोनर एंड जैसे जैसे मैंने यूज करना शुरू किया टोनर सिरम, यस मेरी स्किन बहुत अच्छे से उनको यस अडॉप्ट कर रही है एंड मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है। उसके बाद जो भी स्किन पर प्रॉब्लम रहती थी एक्ने वगैरह की, वो टचवुड काफ़ी लंबे टाइम से मुझे नहीं हुआ है। इसको एब्जॉर्ब करती है, आई विल बी यूजिंग दिस ब्लू हेवेंस कलर एंड कंडीशन लिप ऑयल। सो ये ग्रीन कलर वाला है मेरे पास एंड इसको हम अप्लाई कर लेंगे। सो ये काफ़ी अच्छा सा टेंट छोड़ देगा थोड़े टाइम बाद एंड पर्सनली दिन में तो एक बार मैं इसको यूज़ कर ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है लिप बाम के कंपैरिजन में। सो यस, दिस इज़ द वन। करेंगे एक मॉइस्चराइजर एंड आई विल बी यूजिंग दिस एलोय मॉइस्चराइजिंग लोशन विद फ्रॉम फॉरएवर। सो ये एक्सक्लूसिवली उनकी वेबसाइट पर ही एंड उनकी ऐप पर अवेलेबल है। सो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, अदरवाइज फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी शायद इसके अवेलेबल है, मुझे श्योरिटी नहीं है। सो यस, एक काफ़ी अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन है, क्रीम बेस्ड एज यू कैन सी। सो यस, काफ़ी अच्छा है विंटर्स के लिए। मैंने जेल बेस्ड वाले यूज़ करना यस थोड़ा सा बंद कर दिया है बिकॉज वो स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है एंड स्किन बिल्कुल भी अच्छे से उससे मॉइस्चराइज नहीं हो पाती है। सो यस, मैंने आजकल ये वाला स्टार्ट किया हुआ है। सो यस, मैं आपको ये वाला रिकमेंड कर सकती हूँ, हाईली थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पर है बट काफ़ी अच्छा है। कर बैठी थी आज की वीडियो में मॉइस्चराइजर से पहले यूज करने के लिए बट अब हम इसको यूज नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगी। सो ये पिलग्रिम का था मेरे पास। ओके, अब हमारी स्किन अच्छे से प्रेप हो चुकी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बेस। सो सबसे पहले आज लाइट बेस रखेंगे, बिल्कुल जल्दी से जो मेकअप हो जाए बिल्कुल ऐसा सा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। सो ये हाइड्रेटिंग है एंड ये साथ ही साथ प्राइमर का भी काम करता है, तो आज मैं ये वाला यूज़ करूँगी एंड ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स है नहीं, अफोर्डेबल होने के साथ साथ काम भी बहुत अच्छे से ये करता है। सो यस, बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं चाहिए होती मुझे तो एंड थोड़े इतने में ही काम हो जाता है। सो यस, इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे।
एंड आप ग्लो देखना कितना अच्छा सा ये ग्लो छोड़ देता है। सिंस ये हाइड्रेटिंग है इसलिए मैंने आज इसको अप्लाई करने के लिए ट्राई किया है। सो आप डिफरेंस देख लो दोनों साइड्स पर। करेंगे एंड उसके जगह हम यूज करेंगे एक बीबी क्रीम। सो इट्स दी लैक्मे 925 सीसी कॉम्प्लेक्शन बीबी क्रीम। एंड अगर इसका शेड इसका शेड है 01 बेज। एंड जल्दी से तैयार होना हो सो बीबी क्रीम बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। एंड बस ये लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। इसको आज हम हाथ से ही ब्लेंड करेंगे। सो यस, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। सो जैसे जैसे हम अपनी फिंगर से ब्लेंड करते हैं सो यस ये हमारी स्किन पर एकदम वार्म अप हो जाती है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। सो यस आप भी ट्राई करके देखना। ओके I will be using a concealer. यह Swiss Beauty का HD concealer pen and इसका शेड मुझे बहुत अच्छे से सूट होता है। सो इसका शेड है 03 प्योर बेज एंड इसको बहुत थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करेंगे बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ डेट लुक। सो यस थोड़ा सा हमें सटल ही रखना होता है। दैट्स इट एंड इसको भी ब्लेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। सो एज यू कैन सी कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया एंड आईज को भी इवन डाउन कर लेंगे सो दैट आईज का कलर भी मैच हो। ब्लश एंड मेरे पास यहाँ पर NYB का क्रीम ब्लश है। सो यस इसको ही आज हम यूज करेंगे एंड इसको मैंने इतना यूज किया है बहुत ज्यादा मैं इसको यूज कर लेती हूँ। एंड इसके साथ ही हम यूज करेंगे NYB का शिमर ड्रॉप्स हाइलाइटर एंड दोनों को एक साथ ब्लेंड करेंगे। एंड इसको मैं ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। सो एज यू कैन सी कितना अच्छा इफेक्ट आ गया है। एकदम शाइनी सा पिंकी सा बहुत ही नेचुरल लगता है ये वाला ब्लश लगाने के बाद। बस अपने फेस को सेट कर लेंगे एंड मेरे पास है लैक्मे का सनस्क्रीन इन्फ्यूज्ड रोज पाउडर। सो यस इससे थोड़ा थोड़ा सा अपने फेस को यस सेट कर लेंगे। उसको फिल इन करूंगी विद द हेल्प ऑफ ब्लू हेवन स्कल्पटेंस सेट ब्राउ जेल। सो इसमें जो मेरे पास शेड है दैट इज ग्रे एंड इससे अपनी आईब्रोज को अब हम फिल इन कर लेंगे। सो ये आता है इस तरीके के स्पूली के साथ एंड बहुत अच्छे से आईब्रो को सेट कर देता है। सो यस
डिफरेंस आप देख लो। यूजिंग दिस ऑटम स्पाइस आई शेडो पैलेट एंड सारे इसमें ये ब्राउन टोन के शेड्स हैं, सो इससे एक सटल सा लुक क्रिएट करेंगे। दिस लाइट ब्राउन शेड एंड एक्सेस हटा के अपनी क्रीज लाइन पर हल्का सा बिल्ड करेंगे। बस हल्का सा डेफिनेशन मिल जाए, दैट्स इट। यस, इतना सफिशिएंट है। एंड फिर उसके बाद हम लेंगे ये वाला शेड, इससे शिमर का ब्राउन कॉपरिश। इसको अप्लाई कर लेंगे। पूरी आईलिड पर नहीं फैलाना, सिर्फ हाफ पर। एंड देन ये डार्क शेड लेकर इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसकी एजेस को। एंड डन। मस्कारा अपने आई लुक को कंप्लीट करेंगे। एंड यहाँ पर है मेरे पास कलर बार का लैश इल्यूजन मस्कारा, इसमें आपको लैंडिंग और वॉल्यूमाइजिंग दोनों मिलते हैं। सो सबसे पहले मैं लैंडिंग ही यूज करती हूँ इसका। अपनी लुक को कंप्लीट करेंगे। एंड आज मैं लिप ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ, ये जस्ट हर्ब्स का। एंड इसमें ये ब्राउन वाला है मेरे पास, सो इसको थोड़ा सा हम टिंट तो यस जा चुका है, पूरा सूख चुका है। यस, दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक। एंड आई होप मेरा ये लुक आपको अच्छा लगा होगा। एंड बहुत अच्छा ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है। एंड बहुत जल्दी हो जाता है ये तो वैसे भी। सो यस, मैंने सारे के सारे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ही यूज़ करे हैं आज के लुक में। एंड बहुत ही सिंपल सा लुक एंड क्विकली हो जाने वाला है। सो यस, वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अब मिलते हैं अगली अमेजिंग सी वीडियो में। टिल देन, बाय एंड स्टे हैप्पी।